चलो पूरे रिवर के अंदर से ही निकल रहे हम लोग। रोड की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, अब हल्के में मत लेना। तो भैया ये पूरा रास्ता रिवर से भरा हुआ है, और गलती से बारिश के टाइम पे मत आना अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से फिसल के गिरेंगे हम लोग। हर हर महादेव। तो भैया जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच गए गुंजी विलेज। तो गुंजी विलेज पहुंच गया हूँ, भूख लग रही थी तो खाना ऑर्डर कर दिया है, सिंपल चने सैलड प्याज। तो भैया गुंजी गांव पहुंच गया था, पर यहाँ पर छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता लगी कि गुंजी विलेज है ये नपलचू है वो दूसरा गांव है। मतलब थोड़ी थोड़ी जो घर बने हुए ना ये अलग अलग गांव डिवाइडेड है, एक ही गांव नहीं है। और इसके बाद अपन नपलचू गांव में, मतलब यही रोड आ रहा है आपका सीधा धारचूला से, पहला होम स्टे बढ़िया नया बना हुआ है। यहाँ पे खाना पीना हमने खा लिया, दो अमूल कूल ले लिया है, अभी चल रहा है ओम पर्वत यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि वेदर खुला हुआ है और आज हमें दर्शन भी हो जाएंगे। तो अगर टाइम से पहुंच गए, सही रुकने लायक हालत हुई तो अपन वहाँ कैंपिंग करेंगे, अदरवाइज वापस आके ना यहाँ होम स्टे पे रुक जाएंगे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे आदि कैलाश के लिए। अगर हमें आदि कैलाश जाना है तो हमें ओम पर्वत आज ही करके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ओम पर्वत यहाँ से 18 किलोमीटर में अगर कल सुबह आऊंगा फिर यहाँ करूंगा फिर 35 किलोमीटर का और ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड पे जाऊंगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब ने बोला कि आप आज ही दर्शन करके आ जाना, यहाँ रुक जाना, फिर कल सुबह आदि कैलाश के लिए निकल जाना, आप शाम तक लौटोगे। तो भैया अब यहाँ से बैठते हर सीधा निकलते हैं ओम पर्वत। तो अभी हमारे पास पेट्रोल के दो पॉइंट है, उसके बाद देखते हैं कि इतने दो पॉइंट पे हम लोग ओम पर्वत पहुंच पाते या नहीं। गर्मी बहुत लग रही है यार। अच्छा ये ब्रिज आ गया। अरे यार ये तो बहुत, चढ़ते टाइम तो अपने को बस स्पीड देनी होती है और थोड़ा इसको ना सपोर्ट देना होता है, उतरते टाइम अगर स्पीड बढ़ गई ब्रेक नहीं लग पाए तो बहुत बुरी तरीके से फिसल के गिरेंगे हम लोग। ये देखो ये होता है ना, तब ब्रेक नहीं मार सकते एकदम से, चलो जी। चलो जी मोमेंटम बना के रखना है बस मेरे को। तो भैया इसको ना आसान मत समझना, ओम पर्वत आना आदि कैलाश जाना हल्के में मत लेना, और गलती से बारिश के टाइम पे मत आना अगर आप बाइक से आ रहे हो। तो एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता उस तरफ को जा रहा है, तो ये रास्ता जा रहा है आदि कैलाश के लिए, यहाँ से दो रास्ते कटेंगे और हमें जाना है उस वाले रास्ते पे। तो जब आप धारचूला से आओगे तो ये टी पॉइंट पड़ेगा, इधर को चले जाओगे आदि कैलाश और इधर को जाओगे तो आपका ओम पर्वत। ओह खूबसूरत नज़ारे देखो यार। वैसे प्लान था कि मैं गुंजी में स्टे करूँगा आज, लेकिन मेरे को बोला कि आज मौसम साफ है दर्शन हो जाएंगे, और जब अगर मौसम ख़राब होता है तो महीनों महीनों तक ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाते, तो आप चले जाओ और आज ही दर्शन कर लो। तो कुछ जगह ना लोकल लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और कुछ जगह लोकल लोग आपको ना डीमोटिवेट करते हैं। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। इसमें टोटल मोटो व्लॉग ही मोटो व्लॉग हो रहा है, और ड्रोन भी नहीं फ्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन फ्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पास में आर्मी बेस कैंप बने हुए हैं। तो मोटो व्लॉग के थ्रू ही मैं आपको ये सारे नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कितना बड़ा मैदान है यार, यहाँ तो आराम से कैंपिंग कर सकते हैं हम लोग नाइट में। ठीक है अगर हम लोग वहाँ नहीं रुक पाए तो इधर ही आके कैंपिंग कर लेंगे आज, ढाबे वगैरह बगल में ही है, खाने पीने का सामान इनसे ले लेंगे फिर कुकिंग कर लेंगे। ये गुंजी है ना, हाँ गुंजियाल, तो गुंजियाल विलेज है ये। गलती हो गई, चेक पोस्ट पे एंट्री करानी थी और मैं आगे भागे जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग गुंजियाल पहुँचोगे, मतलब तो गुंजी विलेज, तो यहाँ पर भी आपको ITBP पे चेक पोस्ट पड़ेगी, जो आपको परमिट चेक कराना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अपना ID प्रूफ वगैरह साथ में रखें, और यहाँ पे आपको फोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सिक्किम में करानी होती है आपको हर चेक पोस्ट पर जमा कराना पड़ता है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका परमिट चेक करते हैं, एंट्री करते हैं और उसके बाद आप आगे जा सकते हो। क्या बात है यार, मस्त व्यू नज़र आ रहा है, मस्त पहाड़ नज़र आ रहे हैं।
ओहो, क्या रोड दिख रहा है यार। साइड में जंगल, सामने इतना ऊंचा माउंटेन और प्लेन रोड। वैसे ऑलमोस्ट ना सारे लोग हैरान हो रहे कि मैं सोलो आया हूँ, और वो भी स्कूटर पे, और उसके बाद इतना लगेज लेके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाइकर मेरे को दिखे और आए वो सारे खाली बाइक्स लेके आए, और कुछ होगी तो बाइक भी खराब हो गई है बीच में। चलो खाना खा लिया है तो थोड़ा सा आराम मिल गया है, एनर्जी आ गई है, वरना बॉडी ना गिव अप कर रही थी कि मैं आज होम स्टे लेके आराम कर लूँ, लेकिन नहीं, आज अगर अपने को जाना है तो जाना है। और रुकूंगा मैं इसी वाले होम स्टे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना वॉशरूम देख लिया है, और वॉशरूम बना हुआ है इंग्लिश वाला, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो भैया इसी वॉशरूम, तो इसी होम स्टे पर रुकूंगा, दूसरे होम स्टे पर रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से इंडियन यूज़ कर रहा हूँ और मेरे ना घुटने जवाब दे गए बैठ बैठ के। सॉरी ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में ना मुझे ऐसी बातें करनी याद आ रही है, थोड़ा हंसी मजाक होना ज़रूरी है। वाह यार कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, लैंडस्लाइडेड एरिया है। तो अभी थोड़ा सा आगे आए हम लोग, और हमें गुंजी से पहले जब हम आ रहे थे तो हमें ना रोड की जो मिट्टी थी वो येलो कलर की दिख रही थी, उससे आँखों में बहुत ज़्यादा चमक पड़ रही थी, लेकिन अभी देख रहे हो थोड़ी सी काली टाइप की हो गई है, पूरी ग्रेश हो गई है। और ये देखो, ये तो हम लोग पहुँच गए बिल्कुल रिवर साइड। तो भैया ये पूरा रास्ता रिवर से भरा हुआ है, और थोड़ा सा टफ पड़ रहा है इधर चलाना, बोले तो पागल नाली की तरह, जैसे लद्दाख जाते ना बीच में पागल नाला आता है, कुछ उस टाइप का, बस यहाँ पे पानी नहीं है। लो जी पानी में से निकालेंगे, पानी में से मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि वाटर इसके इंजन पे पड़े और वो ठंडा होता रहे साथ के साथ। मतलब इस रोड पे ना मैं अकेला ही हूँ, मुझे एक भी बाइकर जाते हुए नहीं दिखा है, और ना ही अभी कोई आते हुए भी दिखा है। यार क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई अब, और अभी आई डोंट नो कितना चलना पड़ेगा। अभी तो काला पानी गांव आएगा यार, मैं भूल गया, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो गई है, और ये रोड ऐसा है ना इसके ऊपर मैं मोमेंटम बना नहीं पा रहा हूँ। बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है इस टाइम पर कि जब मैं पहुँचूँगा ओम पर्वत, और जो वो नज़ारा होगा वो कैसा होगा जो मैंने सिर्फ फोटोज़ में देखा है। शायद पहुंच गए काला पानी आई थिंक, तो आर्मी एरिया पड़ने वाला है, मैं थोड़ा आर्मी एरिया क्रॉस करके मिलता हूँ। तो भैया बीच में पड़ा है काला पानी, मतलब मैं अभी काला पानी में ही हूँ, और यहाँ पे पड़ती है दो चेक पोस्ट, एक आर्मी की और एक आईटीबीपी की। हर जगह आईटीबीपी की नहीं है, कभी आर्मी की पड़ रही है कभी आईटीबीपी की, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह एंट्री होगी। ये मत सोचना कि आर्मी की एंट्री करा के आपका काम हो गया। और दूसरी चीज़, जो डेट परमिट में लिखी हुई है, तो अगर आप उस परमिट डेट तक वापस नहीं आते हो, उस डेट तक एग्ज़िट नहीं करते हो, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी मेरे को यहाँ पे रोके जो आईटीबीपी के सर थे, उन्होंने बताया कि पीछे एक काली मंदिर है जिसके नीचे से पानी निकल रहा है, और उसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है, और उस रिवर का भी नाम पड़ा है काला पानी। और यहाँ पे एक वेद व्यास जी की गुफा भी बताई है, और एक नाग पर्वत भी बताया है, तो वो मैं ना आपको रिटर्न के टाइम पे दिखाऊंगा, परमिशन मैंने ले ली है, तो आते टाइम अच्छे से शूट करेंगे, वो मैं आपको रिटर्न के टाइम पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा। अभी बस कोशिश ये है कि 9-10 किलोमीटर अभी हमें और जाना है ओम पर्वत। अरे यार मोमेंटम टूट जाता है ना, तो स्कूटी चढ़ नहीं पाती है।
और इधर नीचे की तरफ बने हुए कैंप साइट रुकने के लिए टूरिस्ट बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं आप लोग। बाकी ऊपर अगर कोई अरेंजमेंट होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। और अपना कैंप तो आप कहीं भी गाड़ सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है अपने परमिट की डेट का। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना मुझे स्कूटर के ऊपर, सबके सब हैरान हो रहे हैं कि भैया स्कूटर पे आ गए। इवन आर्मी वाले सर और जो ITBP वाले सर हैं वो भी देख के हैरान हो रहे हैं कि भैया स्कूटर पे, वो भी इतना सामान लेके कि तुम यहाँ तक आ गए। और बाइकर्स तो खैर आपको पता है, वो देख के उन्हें पता है कि कितना स्ट्रगल कर रही है बाइक, तो स्कूटर पे इतना लोडेड सामान लेके बंदा कैसे जा रहा है। चलो पूरे रिवर के अंदर से ही निकल रहे हम लोग। हाँ कहीं कहीं रोड ज़्यादा ख़राब होता है। सांस फूल गई मेरी वो रिवर में से निकालने पर, और वो भी चढ़ाई के ऊपर। रिवर क्या था, नाला था वो। बस अब मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि थोड़ी देर में हमें दर्शन होने वाले हैं, और मैं ना GoPro ऑफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस हो पहला वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस वो मेरे GoPro में रिकॉर्ड हो। तो बीच बीच में ना कुछ ऐसे नाले आ जाते हैं जिन पे चलाना ना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अरे भाई साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, नहीं तो अब हम लोग आगे सीधा वहाँ पॉइंट पे पहुँच के आपको दिखाते हैं। बस थोड़ा सा रह गया 100 मीटर, मैं वहाँ पहुँच के आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ ओम पर्वत, हर हर महादेव। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में ना मैं आपको अच्छे से ओम पर्वत दिखाऊंगा और यहाँ की जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट लग रहा हुआ, प्लीज़ मैनेज कर लेना क्योंकि माइक खो गया है, तो अभी मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख लो आपके भाई ने कितनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। फिर अगले दर्शन ओम पर्वत। गुड बाय।